अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या बोलो, कहां मारोगे बताओ, अरे तुम कहां मारोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा, अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम, अरे चप्पन देके बैठो तुम, हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना, खतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको, अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है, आप क्या कर रहे हैं। अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। चेयरमैन सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इन तीन फौजदारी नए कवानीन पर बोलने का मुझे मौका दिया है। सर मैं शुरुआत में इस शेर से आगाज करता हूं अपनी बात का कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर ये तीन फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है, ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जरायम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफ तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया, और जो कवानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन डिफॉर्मेशन, उसको आपने नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। सर आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से बच, जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को, उसको कुछ नहीं जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है नहीं है। सर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये तीन कवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है, ये तीन कवानीन रोलट एक्ट है। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी को सजा नहीं है, और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर अगर हमको रिफॉर्म करना था, इसलाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म उन पर साबित नहीं होता। हमको यह करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है, हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप, एनसीआरबी का डेटा है 2017-21 का, 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है, और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लेडीज इसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए। आज भारत की जेलों में 30% डेट्यून्यूज मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेट्यून्यूज थे, आज 83.9% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान डेट्यून्यूज है। सर एक और मिसाल दे रहा हूं, सीएसडीएस की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा,
जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम द पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 ऑफ द सर्वेड पुलिस पर्सनल बिलीव दैट मुस्लिम्स वेर मोर इंक्लाइंड टू वायलेंस देन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज। ये एम्पिरिकल एविडेंस है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35% जिन पुलिस के अधिकारियों का सर्वे किया गया उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां पर काउ स्लॉटर होता है। सीजेपीएपी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था, ये बायसनेस नहीं है तो क्या है? मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब है और 21% मुसलमानों का नाम सर एफआईआर में डाल दिया गया था। सर प्रोजेक्ट 39 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया जिन पर सजाए मौत दी गई। हैरत अंगेज बात यह है कि सर 76% बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित और एसटी डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में है 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुलजिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए, उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है, और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित मुसलमान आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है, और मुसलमान और दलित आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं? अरे अगर आप 3 कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो कौन सा इस्लाह है? आप तो ताकतवरों का रिफॉर्म कर रहे हैं, गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है? तो जैसा अंग्रेजी में कहा गया था कि द क्योर इज डेंजरस देन द डिजीज। सर सर अब आप आ जाइए BNSS पर, क्लॉज 187 डिटेंशन का पीरियड देख लीजिए सर, 187(3) में, यानी 15 दिन से ज्यादा आपको मुश्किल है प्रेजेंटली। अब आपने प्रोविजन दे दिया कि 90 दिन तक आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि यूएपीए के कानून में जिसको जेल में डाला जाता है यूएपीए में, 30 दिन के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है कि क्यों आप पुलिस कस्टडी ले रहे हैं जेल से। आपने वो भी निकाल दिया, यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा, और बेल उसको नहीं मिलेगी। तो ये खुद सुन लीजिए, तो यानी कन्विक्शन नहीं होगा ना बेल मिलेगी क्योंकि पुलिस कस्टडी है। ये कानून में है सर, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डीके बासु के गाइडलाइंस को आपने अडॉप्ट नहीं किया, क्लॉज 53(1). आप ये भी नहीं कह रहे कि भाई कौन उसको एग्जामिन करेगा, तो डिस्क्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अरे आप ये पुलिस में जब जाते हैं तो पुलिस इतनी खातिर तवाजो करती है कि तलवों से लेकर जिस्म तक पूरे निशानात उसके जिस्म पर रहते, और आप कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्क्रेशन करेगा तो होगा। अब आप आ जाइए सर इसके ऊपर, आपको बता रहा हूं सर। अब आप देखिए क्लॉज 187 तो आपके सामने जिक्र कर दिया मैं सर। अब आप देखिए क्लॉज 472 मर्सी पिटीशन, आर्टिकल 79 और 161 का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और ये आप कानून लाकर कहती हैं कि उसकी तरफ से मर्सी पिटीशन डालेगा तो कन्विक्ट लीगल है अदर रिलेटिव। सर जो सजाए मौत काटेगा वो तो आधा पागल हो जाता है जेल में, आप थर्ड पार्टीज को मौका नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आपका, ये कौन सा इंसाफ है आपका? और फिर सर आप ये बताइए कि थर्ड पार्टीज को बाहर कर रहे हैं, अच्छा कितना टाइम आप दे रहे हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन ऑफ एसएलपी के बाद 30 दिन और गवर्नर के रिजेक्शन के बाद 60 दिन? ये कैसा इंसाफ होगा सर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल मर्सी पिटीशन कैन बी फाइल्ड, आपने उसको भुला दिया। अच्छा सर अब आप एक और बात देख लीजिए, क्लॉज 479 में यह कहती है कि अगर कोई डिटेंशन पीरियड अपना 1/2 ऑफ द क्राइम जो ऑफेंस का पूरा कर लिया तो उसको बेल मिलेगी। आप तो उसको और खतरनाक कर दिए हैं। आप ये कहते हैं, उसमें ये कहते हैं सर
यहां पर आपने कह दिया क्लॉज 187 में, सॉरी सर, ये डिटेंशन मल्टीपल क्लॉज 479 में, अगर एक से बढ़ के ज्यादा ऑफेंस होगा या ऑफेंस होगा लाइफ इंप्रिजनमेंट का या पेंडिंग होगा तो उसको बेल नहीं मिलेगी। अरे हम तमाम, तो ऋषिकांत दुबे आप पर जब केस लगा, आपने कहा कि आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जानता हूं, आप पर तो एक सेक्शन नहीं लगा, कई सेक्शन आप पर लगा दिए गए, तो फिर मुझे बेल नहीं मिलेगी? ये क्या कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं आप? आप अंदाजा भी लगा रहे भाई, आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। पावर इटर्नल नहीं होता, ये तो कुदरत का निजाम है कि जो गंदगी करता है तो उनके लिए किसी और को मौका मिलता है, मगर आपको आना पड़ेगा एक दिन, आप ये गंदगी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने, आप किसको, कितना पर्सन जो है पेंडिंग प्रोसीडिंग इन मोर देन वन ऑफेंस, और चार्जशीट में कई आते हैं, यानी जब हम पर केस बुक होता है सर तो फूल का गुलदस्ता आता है, हर सेक्शन होता है उसमें, तो मुझे बेल नहीं मिलेगी, तो ये एक बात है सर। फिर आप आ जाइए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, यहां पर आपको, सॉरी सर, ये इतना बड़ा बिल है। फिर आप टेररिज्म पर सर, बीएनएस का टेररिज्म सर, ये बड़ा ही डेंजरस, आपने खतरनाक आपने काम किया है, इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, सिविल लिबर्टीज खतरे में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, इसमें इसमें आपने नोटिफाई करेंगे किसी को टेररिस्ट, कोर्ट क्यों नहीं करेगा, पुलिस वाला कैसे करेगा मुझे टेररिस्ट नोटिफाई, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर देंगे, तो ये खुद सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का वायलेशन है, और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस का वायलेशन है। तो ये मोदी सरकार जुडिशियरी के पावर्स को छीन कर खुद जज जूरी एग्जीक्यूशन बन रही है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था सर, वही कातिल वही मुखबिर वही मुंसिफ ठहरे। सर, मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग, आपने कहा कि जिस जगह पर इस प्लेस पर सर्च होता है वीडियो रिकॉर्डिंग की, मैं ये कहता हूं कि जब मेरा अरेस्ट होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, क्यों नहीं करते आप? जब मेरे घर पर पुलिस आती है वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, जो मैं पुलिस को देता हूं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, विटनेस स्टेटमेंट होगा क्लॉज 183 में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, क्यों नहीं आप पैसे देते कि हर पुलिस वाले के जिस्म पर एक वीडियो रिकॉर्डर हो और एक्यूज को मिलना चाहिए, आप नहीं मिलता एक्यूज को? हाँ, आपको नहीं है मुझे मैं जानता हूं, क्लॉज 250 और 262 सर इनकंसिस्टेंट है, तो क्लॉज 250 में 60 डे टाइम लिमिट है डिस्चार्ज के लिए, अगर एक्यूज को कागज नहीं मिलता है, हम सब जेल में गए, मैं कई मरतबा जेल में गया हूं, ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला, चाहे कांग्रेस की तेलुगुदेशम की हुकूमत रही है। ससुराल के सर कुछ लोग, क्लॉज 262 है, क्लॉज 262 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन है, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद डाल सकते हैं, ये इट डिफीट्स द पर्पस। व्हाट इज द डिस्चार्ज एप्लीकेशन विच इज टू प्रिवेंट पुलिस फ्रॉम यूजिंग डिले टैक्टिक्स, डिस्चार्ज ऑलवेज प्रीसीड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आप मैं उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं डाल सकता जब तक कि वो नहीं होगा। अच्छा, क्लॉज 251 263 देखिए सर, टाइम लिमिट फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन केसेस ऑफ सेशन ट्रायल्स 60 डेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग चार्जेस, वारंट चार्जेस शुड बी 90 डेज, मगर आपने क्या किया, होशियारी देखिए, बर्बाद करने का कहानी, 193(9) डाल दिया आपने, क्या ने प्रिस्क्राइब्स अ 90 डे टाइम लिमिट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट विल हैपन व्हेन सप्लीमेंट्री चार्जशीट आर पुट, विल द अक्यूज्ड बी एक्यूटेड, क्या मुझे छोड़ देंगे आप, क्या कोई टाइम लिमिट, दिस इज अ डेड लेटर। अने आप तो पूरे का पूरा सिविल राइट्स लिबर्टीज बोलिए सब छीन ले रहे। अच्छा सर, इसमें आपने लिंचिंग का एक कानून बनाया बीएनएस में सेक्ट क्लॉज 103 में, अब आप इसमें देखिए सर, लिंचिंग कब हो सकता है, जब आप ये बताएंगे कि ये पर्सनल बिलीफ पर मारा गया किसी को, जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया, सर आप तो एक्यूज को तो मौका दे रहे हैं छोड़ने के लिए, आप तो एक्यूज को मौका दे रहे हैं। अच्छा, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन क्यों नहीं लिखते भैया आप, इन तीनों कानून में रिलीजन इस्तेमाल किया गया, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन नहीं आता। अच्छा सर, आप ये भी देख लीजिए कि 190 में अनलॉफुल असेंबली है, 5 or more एक्टिंग टूगेदर, फिर ये क्यों कर रहे हैं आप, 5 मिलकर भी मर्डर करेंगे तो एक 103 भी तो आपने कर दिया, तो इनका इट इज, यानी ये तो इसका अनलॉफुल एक्टिंग टूगेदर है। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा,
आपके ये बीएनएस का 172-2, आप देखिए कि पेटी केसेस में व्हेन द अकेजन इज पास्ट, किसका मतलब क्या है, व्हेन द अकेजन होगा क्या सर, अब आप हम चुनाव लड़ते तो जो हमारा जो पार्टी अपोजिंग रहती वो कहती कि अब इनके 25 लोगों को 50 लोगों को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लेते मेरे बूथ के एजेंट्स को, और बोल रहे व्हेन, उसमें आप लिख रहे क्या है, व्हेन द अकेजन इज पास्ट, माने पास हो जाएगा पोलिंग के 5 बजे छोड़ देंगे। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप, याद रखिए आज आप मुस्कुरा रहे हैं कल यहां पर बैठेंगे कि और कर दे क्या काम आपके ऊपर। अच्छा रेप सर, रेप क्या रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या, आपका प्रोविजन नहीं है क्या, स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की, अच्छा जस होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है, होता है, आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए, अच्छा क्लॉज 69 को, क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया, देखिए सर क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप, अब उसमें क्या बताना पड़ेगा, सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा, आप बताइए कि, अच्छा अगर कोई ये कहेगा कि मेरा नाम कुछ नाम है, कई कुछ नाम होता है जो कॉमन नाम होता है मुसलमानों में दीगर मजाब में, तो क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा, ये क्या आप कर रहे हैं। अच्छा आपने अडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया, तो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन जो 18-20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं इसका खिलाफ जरूर हूं मजहबी एतबार से, मगर आप क्यों उनके ऑटोनोमी को रोकना चाहते हैं। अच्छा सर सेक्शन क्लॉज 1093 बीएनएस का, आपको इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज और इंटेंशन पार्ट ऑफ पर्सन एसिस्टिंग फैसिलिटेटिंग कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ये मैं 5 मिनट दीजिए सर, सर बीएनएस का सेडेशन पर देख लीजिए, सेडेशन को आपने दोबारा ला लिया, लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया आपने, 3 साल से 7 साल आपने सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि प्रोविजन नहीं लाया जाएगा। तो चेयरमैन सर यहां पर हिंदी के बहुत मशहूर कवि का वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त का, कि राज्य को यदि हम बना लेंगे भोग तो बनेगा वो प्रजा का रोग, फिर कहूं मैं क्यों ना उठकर हूं आज मेरा धर्म राजद्रोह। कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी सेकेंड एज अ फार्स। आप क्लॉज 195(1)(d) देखिए, इट क्रिमिनलाइजेस द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जेपोडाइजिंग सॉवरनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में BNS1 में, और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल के साथ आपने 10 साल कर दिया, यह क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता, सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा, आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया, आपको मालूम सर क्या हुआ, तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया, आईपीएस कन, अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या बोलो, कहां मारोगे बताओ, अरे तुम कहां मारोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा, अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम, अरे चौपन देख के बैठो तुम, प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, टेररिज्म का, टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज, यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर, ओके ओके प्लीज सिट डाउन, हाँ तुम गोलियां मार सकते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर, टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया,
यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया, देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 ने 113(4) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से मकोका से गुजरात कोका से पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जो वो जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है जो वो क्लेम कर रहे हैं तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर में आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है लेके आओ ना उसको, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है लेके आओ ना, खतर में हमारे फौजी बैठे लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी रात देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया सर।